जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आई नाम वाले जातक एवं आई नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में वैदिक बाबा को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आई नाम वाले जातक एवं आई नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर बहुत ज्यादा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी की बातों को काटना या अपने जीवन साथी का अपमान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा इस नाम के जो जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा इन दोनों के बीच में कभी कभी इन दोनों के जिद्दी स्वभाव के कारण कुछ परेशानी अवश्य होती है एवं ऐसे समय में इनको समस्या का सामना बहुत ज्यादा करना होता है। मित्रों, आई नाम वाले लोगों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।